गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पतंजलि एलोवेरा जेल के 25 यूजेस। यस, तो मैं 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 यूजेस बताने वाली हूँ आपको एलोवेरा जेल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसके फर्स्ट यूज़ की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट यूज़ है इसका वो है फेस वॉश। फेस वॉश के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप फेस वॉश के लिए इसका यूज़ कर सकती हैं, स्क्रब के लिए इसका यूज़ कर सकती हैं, फेस पैक के लिए इसका यूज़ कर सकती हैं। तो इन तीनों को मिला के एक फेशियल बन जाएगा आपका। तो आप इसको फेशियल के रूप में यूज़ कर सकती हैं। सो इसका जो फेशियल है उसका मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि कैसे क्या करना है इसका फेशियल। तो जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं, पूरा फेशियल है। एंड देन फोर्थ की बात करते हैं जो कि है मॉइस्चराइज। तो आप इसे मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बना देगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देगा ये आपकी स्किन को। तो आप इसे हेयर पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसका अगर आपको हेयर पैक देखना है कि कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी इसका हेयर पैक। एंड देन आगे बात करते हैं तो आप इसे कंडीशनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कंडीशनर की तरह आप जब हेयर को वॉश कर ले उसके बाद आप थोड़ा सा इसको लेके अपने हेयर्स पर अप्लाई कीजिए एंड 5 मिनट्स के बाद इसे वॉश कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर का वर्क करता है आपके हेयर्स में। आप इसे नाइट क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन को नाइट में बिल्कुल रिपेयर कर देगा, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बना देगा, क्लीन बना देगा। तो आप इसे नाइट क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं। बालों की हेयर्स के और बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती हैं, बाल जब नहीं बढ़ते हैं और बाल कमज़ोर हो जाते हैं, तो आप उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर्स में। एंड आप इसे हेयर ऑयल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो आजकल चल रहे हैं हेयर क्रीम चल रहे हैं, तो आप इसको हेयर क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं इसको आप। एंड पिंपल्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके फेस में जितना भी पिंपल्स हैं जहाँ पे भी, आप रात में वहाँ पे इसको लगा लीजिए एंड सो जाइए, सुबह तक आपका पिंपल्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जो हमारे जो सर होता है उसका जो pH मान होता है हमारे बालों का, वो जो शैम्पू की वजह से ख़राब हो जाता है, तो आप इस शैम्पू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर्स पे। एंड ये आपके सन बर्न को ठीक करने में हेल्प करता है। तो सन बर्न को ही ठीक करता है, तो आपको जहाँ पे भी सन बर्न हो तो आपको रात में वहाँ पे इसको अप्लाई कर लेना है। एंड 1 वीक में ही आपका सन बर्न बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आप इसे यूज़ कर सकते हैं सन बर्न को ठीक करने के लिए। आप इसे बॉडी में लगा सकते हैं। जो एलोवेरा जेल होता है इसमें 99.5% जो होता है वाटर कंटेंट होता है, तो अपने आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्रेश रखेगा, हेल्दी रखेगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी में। एंड आगे बात करते हैं, आप इससे आप स्पॉट्स, एक्ने मास्क, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको इसको रेडी करना है, थोड़ा सा लेमन जूस एंड एलोवेरा जेल को आप मिक्स करके अपने फेस पे लगाइए, जहाँ पे भी आपके स्पॉट्स हैं, एक्ने हैं, तो वो सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा। एंड देन आप प्राइमर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं फेस में। ये मेकअप को स्टे रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप को स्टे करने के लिए प्राइमर की तरह। मेकअप रिमूवल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेकअप रिमूवल बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवल है, आपके फेस में से सारा जो मेकअप है उसे रिमूव कर देगा ये बहुत ही ईजिली। आप इसे मेकअप रिमूवल की तरह यूज़ कर सकते हैं। मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वाटर, ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल को मिक्स करके जो स्प्रे बोतल में डाल के आप इसका यूज़ कर सकते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरह। एंड आगे बात करें टोनर, तो टोनर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। वाटर, एलोवेरा जेल एंड रोज़ वाटर को मिक्स करके आप अपने फेस पर टोनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टोनर का वर्क करता है ये टोनर का। हेयर सीरम की तरह यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा वाटर एंड इसको एलोवेरा जेल को मिक्स करके आप अपने हेयर्स पर लगा सकते हैं। सीरम की तरह बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये। एंड देन आप इसको अपने हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो रात में आप अगर लगा के इसे सो जाते हैं एंड सुबह उठ के अपने हेयर को वॉश कर लेते हैं, या फिर आप 2 घंटे पहले भी इसको लगा लेते हैं, तो ये आपके हेयर को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये एलोवेरा जेल है, जो एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। आप इसे रिंकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपके रिंकल्स हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए एंड ये आपके रिंकल्स को बहुत अच्छे से ठीक करने में हेल्प करेगा आपको। रात में लगा के सो जाइए, बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपके रिंकल्स में। हीट प्रोटेक्टर की तरह जब हम अपने हेयर्स पे स्टाइलिंग टूल्स का यूज़ करते हैं, तो हम जब हीट प्रोटेक्टर सीरम या फिर
क्रीम यूज़ करते हैं अपने हेयर्स में, तो आप इसके उसकी जगह इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा हीट प्रोटेक्टर का काम करता है। एंड देन उसके बाद आप हेयर सेटिंग स्प्रे की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं जो बेबी हेयर्स हैं, या फिर थोड़ा बहुत हमें अपना हेयर्स को सेट करना है तो आप उसकी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये हेयर सेटिंग स्प्रे की तरह। बॉडी लोशन एलोवेरा जेल का जो बॉडी लोशन होता है बहुत ही अच्छा होता है, आप अपना रेगुलर बॉडी लोशन में इसे थोड़ा सा डाल के यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन है। एंड आप आई क्रीम की तरह यूज़ कर सकती हैं, रात में आप इसे अंडर आई लगा के सो जाइए एंड आपके डार्क सर्कल को बहुत ही अच्छे से ठीक कर देगा। आप तो आप इसे आईब्रो ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आईब्रो ग्रोथ आई लैश ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। आप रात में इसे अपने आईब्रोज पे और आई लैश पे आप इसे यूज़ कीजिए एंड 1 मंथ में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी आई लैश की जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छे से होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो और आपको लगा हो कि थोड़ा सा भी आपको ये सारी चीज़ें यूज़ में आएंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।